जब वो उस मस्जिद के आगे से निकली तो वहां से कहा जा रहा है कि मस्जिद पे से पथराव हुआ। एक तरफ गांधी जी की लगाई गई है फोटो बनाई गई है और वहीं ऊपर देखिए 786। नमस्कार, मैं हूं शशांक शर्मा और आप देख रहे हैं सरल भारत। आज हम जहांगीरपुरी के वहीं उसी जगह पे आ चुके हैं जहां पे हनुमान जयंती पे एक रैली निकल रही थी जिसमें हिंदू लोग थे और वो रैली निकल रही थी। वहीं जब वो उस मस्जिद के आगे से निकली तो वहां से कहा जा रहा है कि मस्जिद पे से पथराव हुआ और वहीं से ही फिर यहाँ की साइड जितने भी लोग थे कईयों ने गोलियां चला दी, कईयों ने चाकू चला दिए, ऐसा कहा जा रहा है। और वहीं फिर जब बात करी जाती है कि यहाँ क्या हुआ था आखिर में, तो कहा जा रहा है कि 20 लोग कम से कम पकड़े गए हैं जिनमें से 14 को कल 20 के 20 को कोर्ट में हाजिरी करवा दी है दिल्ली पुलिस ने। वहीं पर 14 लोगों को सीधा जेल भेज दिया गया है और 2 को असरन और असलम को पुलिस कस्टडी में रखा गया है कि उनसे जांच पड़ताल की जाए। वहीं आप जहां देख रहे होंगे ये मस्जिद से लेके यहां तक भले ही लगभग 200 मीटर तक यहां अभी इन्वेस्टिगेशन टीम गई हुई है जो कि अभी चेक कर रही है कि क्या मिला है अंदर, क्या सबूत हैं और क्या किन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या उस चीज में आता है, क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में आता है कि आगे क्या होना है। वहीं लोगों का कहना ये है कि पहले हिंदू संगठन ने करा जो हमला था और वहीं मुस्लिम संगठन का कहना यही है कि हिंदू संगठन ने करा, वहीं हिंदुओं का कहना है कि मुस्लिम संगठन ने करा। तो बाकी जानते हैं बाकी की रिपोर्ट्स में कि आगे क्या बात है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ बैरिकेटिंग हो रखी है और बाकी पुलिसकर्मी वहाँ सारे बैठे हुए हैं, सुरक्षा बल की पूरी जांच पड़ताल यहाँ है कि ताकि जिस तरीके से जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्हें कोई दिक्कत ना है, ना अंदर जाके कोई उन पे ना पथराव हो, ना किसी चीज़ की उनको दिक्कत है। इसलिए पुलिसकर्मी और बाकी के सारे मीडिया वगैरह सब यहाँ हैं ताकि सारी चीज़ कवर हो सके। पुलिसकर्मी भी देखिए आप सारे जो हमारे सुरक्षा बल हैं वो सब यहीं हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन टीम, क्योंकि एक नंबर गली में गई थी और वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी चीज़ इन्वेस्टिगेट करी है और काफ़ी चीज़ें उन्हें मिली भी हैं लोगों से, स्थानीय लोगों से उन्होंने काफ़ी बातचीत भी करी है। बाकी आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं कि जिस क्या आता है, क्या ये टीम क्या इन्वेस्टिगेट करती है। तो जैसा कि आपने देखा इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई सबूत यहाँ से अभी इकट्ठे करे हैं और बाकी आगे देखते हैं कि इससे क्या पता चलता है कि यहाँ क्या दिखाया गया है, यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि हमें बस इतनी जानकारी मिली थी और जो कि पुलिस ने भी बताया है कि यहाँ से पथराव हुए थे, यहाँ से गोली भी चलाई गई थी कि सब एकदम यही चीज़ें हुई हैं और वहाँ वाइन शॉप से ली गई थी खाली बोतलें ताकि यहाँ जब अंजाम दिया जाए उस चीज़ को तब ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली उसी वे में हुए। इतना बड़ा दंगा हो गया, इतनी चीज़ें हो गई, इतने लोग पकड़े गए, कई लोग चले गए पुलिस की जेल में, कई लोग अभी भी कस्टडी में हैं। पर आज देखा जाए यहाँ देखिए कितना एक पेंटिंग बनाई गई है, इसका मतलब समझिए। एक तरफ गांधी जी की लगाई गई है फ़ोटो बनाई गई है और वहीं ऊपर देखिए 786। पर क्या लोग इससे समझते हैं, क्या बस खाली ये बनाने का जरिया है, क्या है ये, क्यों हो रहे हैं फिर दंगे, क्या बस ये जो एक माध्यम है बस खाली फोटो बनाने का है क्या? तो यही चीज है कि चित्र बनाए जा रहे हैं पर सिखाया कुछ नहीं जा रहा है। कैमरामैन शिवम चौहान के साथ मैं शशांक शर्मा।